कुछ ही दिनों की बात है यारा, कुछ दिन बाहर रह ले पंजाब से, सब ठीक हो जाना। बड़ी जल्दी भूल जाते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यार बड़ी तसल्ली हो रही है, आप बात समझ रहे हो। नहीं, ये तो मुझे पूरा यकीन है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे, पंजाब के अंदर कोई दूसरा चमकीला खड़ा हो जाएगा। कोई दूसरा चमकीला खड़ा हो जाएगा? यार इतना आसान है चमकीला बन जाना? बहुत मुश्किल है पाजी, बहुत जान लगी है। चमकीले तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, ये समझ ले तू। ठीक है, जिंदा पाजी ने भी यही सोचा होगा यहीं कनाडा में बैठ के। सुन, अरे तू खुद बता, आज तक पंजाब के किसी भी कलाकार के उतने रिकॉर्ड बिके हैं जितने तेरी हर एल्बम के बिक जाते हैं। और ये बुरी बात भी है क्योंकि लोग जलते हैं आपसे, पर इस वक्त कोई फायदा उठा लेगा? ये जो चेतावनी है ना आप पर, इसकी आड़ में कोई किसी पेशेवर कातिल को पैसे देकर आपसे दुश्मनी निकाल लेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? आपको करना क्या है? कुछ दिन गाने खाड़े छोड़ देने, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है, ये मेरी पूरी जिंदगी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चमकीले रुक जा भाई, थोड़े टाइम के लिए रुक जा। नहीं पाजी, मैं रुक नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता? देख, ये वक्त बुरा है, इस वक्त को जाने दे। ये वक्त बुरा है, यही तो वक्त है, अब लोग सुन रहे हैं चमकीला, यही मौका है मेरा। तुझे जिंदा नहीं रहना, जिंदा नहीं रहना तुझे। नहीं, जिंदा रहना मेरे हाथ में है। आपको लगता है पाजी मैं ये करूं और वो ना करूं तो मेरी तकदीर बदल जानी है? अगर एक गोली ने मेरी जान लेनी है, अगर यही लिखा है तो ये होके रहेगा, वो गोली मुझे लग के ही रहेगी। सेविया पाजी, आप बहुत समझदार हो और मैं हूं अनपढ़ गवार, पर दुनिया मैंने भी देखी है। ये दुनिया ना, ये समझदारी से चलती ही नहीं है, ये बस चलती है, और इसकी चाल के साथ जिसको जो करना है ना, बस कर लेना है, समझना नहीं है कुछ भी।